जब किसी देश के पास दूसरे देशों और इंटरनेशनल संस्थाओं का कर्ज चुकाने का पैसा नहीं होता तो उसकी साख गिर जाती है। ऐसे में कोई भी देश उसको कर्ज नहीं देता है। ऐसे में उस देश के दिवालिया होने की शुरुआत होती है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने देश का दिवालिया बता दिया है। हालांकि पाकिस्तान ने अभी भी कर्ज चुकाने से इनकार किया है। पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति बुरे दौर से गुजर रही है। महंगाई बढ़ती जा रही है। रोजमर्रा के सामान की कीमतें आसमान छू रही हैं। इसी बीच देश के रक्षा मंत्री ख्वाजा हसीम ने बयान दिया है कि पाकिस्तान दिवालिया हो चुका है। ख्वाजा सियालकोट में एक निजी कॉलेज के दीक्षांत समारोह में कहा कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर रहा है, बल्कि पहले ही डिफॉल्ट हो चुका है और हम अब तक दिवालिया देश में रह रहे हैं। रक्षा मंत्री का बयान वायरल हो रहा है। लोगों के जहन से सवाल उठ रहा है कि पाकिस्तान दिवालिया घोषित हो जाएगा तो क्या होगा? कोई देश दिवालिया कैसे घोषित होता है? दिवालिया घोषित होने में से क्या नियम है? तो चलिए हम आपको इस बारे में बताते हैं। जब किसी देश का विदेशी मुद्रा भंडार कम होने लगता है तो चिंता बढ़ जाती है, और जब विदेशी मुद्रा भंडार इतना कम हो जाता है कि भुगतान संकट का सामना करने पड़े तो देश को दिवालिया घोषित माना जाता है। इसका मतलब है कि अगर किसी देश के पास इंटरनेशनल संस्थाओं या दूसरे देशों से लिए कर्ज की किस्त चुकाने के पैसे नहीं होते हैं तो अगर देश आयात किए जमात में कीमत भी नहीं चुका पाता तो उस देश को दिवालिया मान लिया जाता है। हालांकि बीबीसी की रिपोर्ट में जीएनक्यू के प्रोफेसर अरुण कुमार ने मुताबिक विदेशी कर्ज की रकम से कम विदेशी मुद्रा भंडार का होना दिवालिया होना ही होता है। विदेशी कर्ज अमेरिका, जापान, चीन समेत सभी देशों पर है। असल मुद्दा है कि आपकी क्रेडिट रेटिंग कैसी है। तो प्रोफेसर के मुताबिक डिफॉल्टर होने का मतलब अपने तक कर्ज अदायगी नहीं की और ये दिवालिया होने की शुरुआत है।